Hi guys, this is GR and you are watching Work at Our Job Helpful. So friends, free job में एक और अच्छा काम आपके लिए, अच्छी job for female और male candidates दोनों के लिए ही है ये. और ये जो job होने वाली है वो direct होने वाली है. ये जो job है हम लोगों की company के touch में नहीं रहेगी. आप लोगों को काम के लिए एक direct जो है joining आप जाए direct call कर सकते हैं client को, लेकिन वीडियो से पहले कि आप बार बार उनको कॉल ना करें. अगर उनका कॉल बिजी आए तो ध्यान रखें कि दिन में एक या दो बार आप कॉल कर सकते हैं उनको. अगर आप बार बार कॉल करेंगे उनको तो क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है और वो आपका जो रिस्पांस पूरी तरीके से नहीं दे पाएंगे. तो गाइस, डायरेक्ट जॉइनिंग रहेगी. इसमें काम क्या रहेगा कि गारमेंट्स में, फैक्ट्रीज में हेल्पर का काम, अंडरगारमेंट्स की कंपनी है उसमें हेल्पर का काम. हेल्पर की सैलरी स्टार्टिंग 10,000. यस, स्टार्टिंग 10,000. पूरी डिटेल्स देता हूँ. उससे पहले मुझे पता है कि मैं जितनी भी जॉब्स लाऊंगा उसमें सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन जेन्युइन जॉब रहेगी 100%. मैं आपको 15,000, 20,000 या 18,000 वो सब बोल के जो है लालच नहीं दे सकता. जो रियल है वो रियल है, फैक्ट है वो फैक्ट है. आपको 15,000 बोल के बुला लेंगे, हम काम पे लगवा देंगे, देने के टाइम वही 10-12,000 देंगे, ऐसा नहीं है. जो क्लियर एकदम साफ है वो साफ है, आपके सामने है. अगर आप चाहिए तो आइए ड्यूटी पे, आपकी मर्जी. नहीं आएंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन बात आपके सामने क्लियर रखता हूँ. एनीवे, हेल्पर की जो है जॉब है उसमें जो है सैलरी रहती है आपको 10,000 रुपीज़. स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं, जितनी भी जो है सैलरी स्टार्टिंग बताऊँगा. इसमें सैलरी आपकी इंक्रीज होती है एवरी 6 मंथ्स में. ओके, और ये सही फैसिलिटीज वगैरह रहती है वो बाद में बताऊँगा. तो हेल्पर में इसमें आपको 10,000 सैलरी रहती है. इसके अलावा टेलर में अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी जाती है इसमें 13,000 to 15,000. अच्छा बोले तो थोड़ा 6-7 महीने का एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है. तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इस टेलर के मामले में तो 13,000 to 15,000 सैलरी रहती है. अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, 1-2 महीने का नॉलेज है, तो आपकी सैलरी रहती है 10 से लगाकर 12 के बीच में. अब ये मैं लमसम बता रहा हूँ सैलरी. इसमें मैं एकदम जो है आपको 12 ही मिलेगा या 15 ही मिलेगा ये फिक्स नहीं बता सकता. आप एक बार जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा. आपको अगर कुछ रिस्पांस ना मिले तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर अपने कंपनी को कॉल कर सकते हैं. बेटी हम वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, जो भी है आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा कि आपकी सैलरी क्या आएगी. थर्ड वैकेंसी है इसमें क्लीनर की. क्लीनर में मेल फीमेल दोनों रिक्वायरमेंट रहता है. वैसे ज़्यादातर जो है फीमेल को ही तजुर्बा दिया जाता है इस काम मामले में, क्योंकि साफ़ सफाई का काम रहता है. मेल कैंडिडेट बहुत कम मौसा रहता है कि जो करते हैं, लेकिन करने वाले बहुत करते हैं. ये क्लीनिंग बोले तो फैक्ट्री क्लीनिंग, मशीन क्लीन हो गया, मशीन के नीचे जो कचरा बिखरा हुआ है, टुकड़े बिखरे हुए हैं कपड़े वगैरह, उसको उनको क्लीन करना हो गया, साफ़ सफाई का काम हो गया, वो हो गया. और ये क्लीनिंग का जो काम है वो पार्ट टाइम भी है. इसमें आप चाहे तो सुबह जाके आराम से जो है 1-2 घंटा 3 घंटा आपका काम करके आ सकते हैं. उसकी अलग सैलरी है. फुल टाइम की अलग सैलरी है. फुल टाइम की सैलरी जो है क्लीनर की जो है सैलरी अभी जो है क्लियर नहीं की क्लाइंट ने. रीज़न ये है कि डिपेंड ऑन उसके काम के ऊपर है. घंटा करेगी, 2 घंटा करेगी, फुल टाइम करेगी, तो वो सब जो है उनके काम के ऊपर है. तो आप एक बार विजिट कर लीजिए फैक्ट्री में. मैं आपको एड्रेस और जो है मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा. वहां जाने के बाद आपकी सैलरी क्लियर हो जाएगी. प्लस संडे इसमें छुट्टी रहती है, वीक ऑफ रहता है, हॉलीडे रहता है. अगर कोई बंदा संडे को जो है ड्यूटी करता है तो उसकी जो है अलग से एक्स्ट्रा ओटी रहती है. और इसमें ओटी की भी फैसिलिटी है. नॉर्मल टाइम, जनरल टाइम जो है रहता है 8-9 घंटा ही रहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में. उसके अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा ओटी मिलती है 1-2 घंटा, उसका जो है पैसा अलग से रहता है. सैलरी को छोड़ के, जो भी की XYZ सैलरी फिक्स होती है उसको छोड़ के ओटी करते हैं, उसका पैसा अलग से इसमें ऐड होता है. प्लस ESIPF की फैसिलिटी. वो आप कहीं पर भी जाएंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, गारमेंट्स वगैरह, कपड़े के फैक्ट्री वगैरह में, तो जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे ESIPF की फैसिलिटी रहती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से. प्लस
मेडिकल फैसिलिटी, अगर आपको कुछ हो जाता है इमरजेंसी वगैरह में, तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे रहती है। अच्छा गाइस, मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज़ बड़ी बात है, और वो मुझे भी पता है आपको भी पता है, इसमें कि रूम और खाना फ्री नहीं है। यस, मैं आपको काम बेंगलोर में अच्छे से अच्छा दिलवा दूंगा, वो भी पूरा का पूरा फ्री है, मैं कोई भी चार्जेस नहीं है, दूसरे की तरह फ्री में जो प्रोवाइड करवा दूंगा, और वो भी जेन्युइन और रियल तरीके से और सेफ, जहां आपको 1 महीना 2 महीना काम करने के बाद भी आपकी सैलरी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, आपको सैलरी जितना काम करेंगे जितना बोली जाएगी उतनी सैलरी आपको मिले, सेफ जॉब रहती है, प्लस 100% फ्री जॉब रहती है। तो गाइस, रूम के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि जहां आप दूसरी जगह ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे 5,000 10,000 3,000 जो भी आप जो रुपए देता है ना, वही आप 4 से 5 फ्रेंड मिल के कहीं पर भी आप अपना एक खुद का रूम ले सकते हैं। अगर मान लो कि 4 आदमी मिल के 4,000 रुपये भी किया, तो 20,000 रुपीज हो जाता है, सॉरी 16,000, तो उसमें आपको जो है 2 से 2,500 के बीच में आराम से रूम मिल जाता है, या 3,000 समझ लो। अगर 3,000 भी जो है 4 आदमी मिल के लिया जाता, तो मंथली जो है उसका रेंट आता है 700-800 रुपये, तो इजीली पे कर सकते हैं, लोड भी नहीं होता है, आपका भी काम हो जाता है। अगर आप कंपनी के अंदर में रूम में जाते हैं कि जो है कंपनी रूम दे, खाना दे, और मैं उसके अंदर काम करूँ, तो उसमें क्या रहता है कि आप पर्टिकुलर जो है उसमें एक फिक्स हो जाते हैं, आपके पास दूसरा काम जाना, या फिर अगर मान लो कि जो है आपको वो काम सूट नहीं आया, या फिर आते हैं आपको कुछ रीजन की वजह से निकाल दिया जाता है, तो आपकी कंडीशन उस समय बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि जो आप रूम में रहते हैं वो कंपनी का रूम रहता है, और वहीं पे आप अगर अपना रूम लेके 3-4 बंदे रहते हैं, तो उसमें आप मान लो कुछ बुखार होगा, या कुछ XYZ कुछ ज़्यादा होगा, या फिर आप जो छुट्टी ले लिया, या फिर कुछ रीजन की वजह से आप घर पे बैठ गए, तो 2-2 3 दिन आराम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पर्सनल रूम है। और इसमें जॉब सेट नहीं हुआ, तो आप दूसरी जगह अपने फ्रेंड सर्कल पहुँच के, या हम लोगों के साथ में मिल के जो है दूसरी जॉब भी जो है मिल सकती है आपको, पर्सनल रूम के बात कर रहा हूँ, अपना खुद का रूम, तो ये काम इजी है। बेंगलोर में बहुत सारा मिल जाता है ऐसा रूम, 4-4 5-5 बंदे, और बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं ऐसा नहीं करके, और पीजी में रहेंगे तो और भी अच्छा, आपको पीजी हर एक दूसरे या तीस चौथे घर में आपको पीजी मिल जाएगा आपको, और पीजी में भी अलग अलग टाइप का रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, आपके लिए एक और अच्छा और डायरेक्ट ज्वाइनिंग रहता है इसमें, अच्छा जॉब, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, फ्री जॉब, 3 जो है उसमें रिक्वायरमेंट रहता है, हेल्पर का, क्लीनर का, प्लस टेलर का, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट रहेगा। तो गाइस, जो जो बंदा कैंडिडेट रिक्वायर चाहिए जॉब, जिसको जिसको चाहिए, वो बंदा डायरेक्ट कॉल करें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी जो है बार बार कॉल ना करें क्लाइंट को, इससे जो है क्लाइंट डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपको रिस्पांस ना मिले, हम लोगों को जो है कॉल करके बता सकते हैं, हम लोगों को आपकी जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम है बेंगलोर में। हिंदी वाले, कन्नड़ा वाले, तमिल, तेलुगु, एनी वे कौन सी भी लैंग्वेज चलती है, एज लिमिट इसमें जो आके 18 से ऊपर, और 25-30 लास्ट। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक और छोटा सा वीडियो, हेल्पफुल वीडियो। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आने पर लाइक कर लें, और शेयर जरूर कर लें, बिना शेयर किए इस वीडियो को न छोड़ें। सारी के सारी फ्री जॉब रहती है, जेन्युइन जॉब रहती है, प्लस 100% सेफ जॉब रहती है। उस अपने फ्रेंड सर्कल के में और अपने फैमिली मेंबर्स में यह वीडियो शेयर करें, ताकि उनको जो कुछ अच्छा जनरल जॉब मिले, और वो फ्रॉड के चक्कर में न पड़े। आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो आपके जॉब के नाम पे बहुत सारे पैसे लूट लिए जाते हैं, ऐट लिए जाते हैं। तो गाइस, मेरा तो इतना ही मानना था कि आप किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें, जनरल जॉब लें, जनरल काम करें और ज्वाइन होएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।